अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत व बरकातुहुम का मौक़िफ़। ईद की नमाज के सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम अपने उलमा के फतवे पर अमल करें। आज बतारीख 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 23 मई बरोज़ हफ्ता बंदा शाहजहाँ कासमी मदनपल्ली के पास हज़रत मौलाना मुफ्ती आरिफ इल्मी देहलवी मदज़ल्लहू ने हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत व बरकातहुम का एक ऑडियो मैसेज इरसाल फरमाया, जिसमें हज़रत ने मौलाना नबील साहब मदज़ल्लहू को जवाब देते हुए फरमाया कि ईद की नमाज हनफिया के नज़दीक घरों में अदा करना दुरुस्त नहीं है। और ये ऑडियो हिंदुस्तान में वायरल हुआ, जिससे बहुत सी आवाम ने यही समझा कि हज़रत का ये कॉल हिंदुस्तान के लिए भी है। लिहाजा इसकी वजाहत हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत व बरकातहुम से तलब करने के लिए मुफ्ती आरिफ इल्मी देहलवी साहब ने बंदे को मुकल्लफ बनाया। चुनांचे बंदे ने हज़रत को मैसेज किया और हज़रत की इस कॉल के हिंदुस्तान से मुतालिक होने ना होने की वजाहत तलब की, लेकिन व्हाट्सएप का मैसेज हज़रत ने मुलाहिजा नहीं फरमाया। फिर बंदे ने फजर बाद 5:12 पर हज़रत को व्हाट्सएप से ही कॉल किया तो हज़रत ने करम फरमाकर फ़ोन रिसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई, जिसमें हज़रत ने वाज़े अल्फाज में फरमाया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने उलमा के फतवे पर अमल करे, यही मेरा मौक़िफ़ है। मलहूज़ा, एक माह कबल भी घरों में जुमा की नमाज से मुतालिक हज़रत वाला दामत व बरकातहुम का अदम जवाज का मैसेज बहुत वायरल हुआ और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने घरों में जुमा की अदायगी को नाजायज़ समझा, तो बंदे ने हज़रत वाला दामत व बरकातहुम से इस हवाले से बात की तो हज़रत ने उस वक्त यही जवाब इनायत फरमाया था कि हज़रत का वो जवाब मुस्लिम ममालिक के लिए है, ना कि गैर मुस्लिम ममालिक के लिए। और चूंकि जुमा और ईद का मसला एक ही है, लिहाजा इस जुमा वाले जवाब पर ईद के जवाब को कयास किया जा सकता है कि हज़रत का मौक़िफ़ क्या है। खुलासा, चूंकि हज़रत मुफ्ती साहब दामत व बरकातहुम ने फरमा दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने उलमा के फतवे पर अमल करे, यही मेरा मौक़िफ़ है, लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने उलमा के फतवे पर अमल करे और दारुल उलूम देवबंद का फतवा ईद की नमाज के ताल्लुक से जवाज का है, जिसमें वही शराइत है जो जुमा के हैं। बंदा अपनी इस तहरीर के साथ दारुल उलूम देवबंद के जुमा और ईद से मुतालिक दोनों फतवे साथ इरसाल कर रहा है ताकि किसी किस्म का तरद्दुद बाकी ना रहे। नीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत व बरकातहुम ने भी अपने बयान में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत व बरकातहुम का नाम लेकर फरमाया कि ईद की नमाज घरों में नहीं होती। बयान में चूंकि इसकी वजाहत नहीं थी कि यह फतवा किसके लिए है, इसलिए बंदे ने कल रात यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में नेज़ हज़रत के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया और अर्ज़ किया कि आपका ये फतवा गालिबन अपने मुल्क के लिए है, ना कि हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। शायद हज़रत ने इस नाकारे का मैसेज मुलाहिजा नहीं फरमाया। और आज फजर बाद बराह रास हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत व बरकातहुम से चूंके बात हुई और हज़रत के मौक़िफ़ से आगाह हुआ कि हिंदुस्तान की आवाम को चाहिए कि वो अपने उलमा के फतवे पर अमल करे, तब इत्मीनान हुआ। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की पैरवी करें। मुल्क के इस्लामी और गैर इस्लामी होने पर भी फ़र्क पड़ता है और मसला मुख्तलिफ हो जाता है। नोट, बाज़ मुफ्ती साहिबान ने बंदे से ये फरमाया था कि जो बात हुई उसका चूंकि ऑडियो नहीं है और हज़रत का ऑडियो मैसेज कब आए या ना आए पता नहीं है, इसलिए तुम तहरीर लिख दो कि हज़रत का मौक़िफ़ क्या है।
چنانچہ بندے نے تعمیل حکم میں یہ تحریر لکھی ہے، فقط والسلام شاہ جہاں قاسمی مدن پلی۔